بلادي 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 حماك الإله شروق الزمان أقسمنا أن نبني نعم الأمل نخلص دام نخلص ما عشنا نخلص نخلص دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا. कि आपको पता है कि पिछले तीन दिन से यूएई में इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल का जो जो मेन हमारा फर्ज भी यही है कि हमने जिन मुल्कों के अंदर हम बस रहे हैं उन मुल्कों के साथ उनकी उनके कल्चर को, उनकी रवायात को और उनके नेशनल डेज को हम उसी तरह मनाएं जिस तरह हम अपने वतन के नेशनल डेज को मनाते हैं, जैसे 14 अगस्त को हम अपने वतन के लिए इकट्ठा होते हैं। तो इनकी खुशियां हमारी खुशियां हैं, इनकी तकलीफें हमारी तकलीफें हैं। इसलिए मेरी जो तंजीम है पूरी दुनिया में, हम सिर्फ यूएई के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां नेशनल डे होते हैं वहां मैं जाता हूं और हम इसको बकायदा जो है ना अरेंज करते हैं और कम्युनिटी को एंगेज करते हैं और इसी तरह के फंक्शन हम रंगीन उनकी खुशियों के अंदर और अपनी अपनी खुशियों के साथ हम रंग भर देते हैं। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी बड़े जोशो खरोश से पाकिस्तान शारजा सोशल सेंटर में ये इनका यौमुल ईद अल वतनी मना रही है और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। ऐसे हम कहते हैं कि ये हमारा यूएई हमारा दूसरा घर है, तो वाकई ये हमारा दूसरा घर है और मैं यूएई के तमाम जो शेख हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये फैसिलिटीज़ दी हुई है। जैसे भी हमारा भी कोई नेशनल डे आता है हम इसी तरह जोश खरोश से मनाते हैं और आज यूएई का नेशनल डे है 51। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल यूएई के हवाले से एक हमने करीब का इनकार किया है यूएई के नेशनल डे के हवाले से और हम भरपूर तरीके से इसी तरीके से इस नेशनल डे को मनाते हैं जिस तरह हम अपने 14 अगस्त के नेशनल डे को पाकिस्तान के मनाते हैं। चूंकि हम समझते हैं कि यूएई हमारा सेकेंड होम है और यहाँ के कवानीन की पाबंदी करना और यहाँ के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम जितने शयूख हैं हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं और हम चाहते हैं कि हम भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा भी लें उनके नेशनल डे। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल की जानिब से यूएई का 51वां ईद उल वतनी शारजा में नहायत पुरवकार अंदाज में मनाया गया। तकरीब में पीओसी ग्लोबल के रुए रवां चेयरमैन मियाँ तारिक जावेद समेत तमाम ओहदेदारान और मेम्बरान पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर अमारात का कौमी तराना नहायत एहतराम से सुना गया। स्कूल के बच्चों ने टैबलो पेश किया और मुकर्ररीन ने यूएई के बानी और अमारात के हुक्मरानों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। आखिर में खवातीन हजरात ने मिलकर 51वां पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल की तरफ से यूएई का 51st नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ शारजा सोशल सेंटर में और माशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद में हमारे पास पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। हमारे हम लोग भरपूर जज्बे के साथ जैसे 14 अगस्त मनाते हैं उसी तरह हम इनका 51st नेशनल डे भी यूएई का मनाते हैं बिकॉज हम लोगों के लिए एक्सपैट्रिएट्स के लिए ये एक सेकंड होम है और हम यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबली तरीके से अपने कारोबार कर रहे हैं नौकरियाँ कर रहे हैं। मसलत से मैं यूएई के हुक्मरान और यूएई की आवाम को 51वीं यौम आज़ादी नेशनल डे मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसके इनके हुक्मरान जिस तरह तरक्की की और इनका मुल्क जिस तरह तरक्की का सफ़र तय करता जा रहा है वो इसी तरह तरक्की करता रहे। इनके मैं भाई बर्त यहाँ से हूँ, मैंने इनका रेगिस्तान से लेके इनके दुनिया की बुलंद तरीन टावर तक का सफ़र देखा है और जिस अंदाज जिस खलूस से इसके हुक्मरानों ने और इसके आवाम ने इस मुल्क को बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, तो मैं पाकिस्तानियों को भी ये पैगाम जानना चाहता हूँ कि इस मुल्क के ये जो मुल्क है इससे हमें सबक सीखने चाहिए। पीओसी पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल हमेशा से यूएई के कोई भी इवेंट होते हैं उनमें हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये हमारा दूसरा घर है। हम सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते कि ये हमारा दूसरा घर है बल्कि हम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं। पीओसी ग्लोबल वाहिद रजिस्टर्ड जमात है यहाँ पे जो एक अपने लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करती है कि जब आप दूसरे मुल्क में होते हैं या यूएई में हैं तो यूएई के लॉज जो हैं उनको फॉलो। यहाँ के मुत्तहिदा अरब अमारात के शयूख को जिनकी हुक्मरानी के अंदर जिनकी बेहतर पॉलिसीज की वजह से यूएई दिन रात तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है और दुनिया इसकी तरक्की की मिसालें देती है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
तमाम यू ए के हुक्मरानों का जिन्होंने हमें यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों को और दूसरी तमाम नेशनैलिटीज़ को एक ऐसा अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जिसमें हम ना सिर्फ अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकें बल्कि हम यहाँ पे अपने घर जैसा महसूस करें। थैंक यू वेरी मच। 51 ईयर की सालगिरह पर अमारात के जितने भी शुईक है उसको मेरी तरफ से और पीओसी की तरफ से पाकिस्तान की जितनी भी कम्युनिटी है उसकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग इस मुल्क में बसते हैं, हमारा ये दूसरा घर है और हम लोग इधर रोज़ी कमाते हैं। हमारी दिल की दुआ है अल्लाह ताला इन मुल्क को और तरक्की से नवाजे। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो 51 ईद उल वतनी है मेरी तरफ से पूरे यूएई और यूएई में बसने वाले सारे पाकिस्तानी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ है कि ये मुल्क ऐसे ही फलता और फूलता रहे और हमारे जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पर ऐसे ही चमकते और धमकते रहे। थैंक यू। यूएई के जो हुक्मरान हैं और यहाँ की जो आवाम है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए हम इस वक्त यूएई में ज़रूर हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे पाकिस्तान में हैं क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीओसी के प्लेटफॉर्म से अक्सर पाकिस्तानियों के लिए इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। दूसरी बात है कि यूएई का 51 नेशनल डे है जो लाइक हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा ही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम एक दूसरे से गेट टुगेदरिंग रखते हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आज उसी सिलसिले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से यूएई के नेशनल डे पर पूरी कम्युनिटी को पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये मुल्क हमारा दूसरा घर है और हम यहां पे रोज़गार के सिलसिले में आए हुए हैं और अभी तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा ही घर है। ठीक।